नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क। चंदन सिंह के साथ अभी हम भगवानपुर प्रखंड के क्षेत्र में ऐसे हैं जहां पर एक ऐसा फैक्ट्री है। फैक्ट्री कहने का मतलब है यहां कि जो यहां पे बच्चे जो पढ़ते हैं, यहां पे बिहार दरोगा हो, SSA GD हो, बिहार पुलिस हो, सीटेट हो, एस्टेट हो, यहां पे जो है बहुत सारे बच्चे हैं जो निकले हैं। 2014 से भी चल रहे हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री की बहुत सारे बच्चे ऐसे यहाँ पे जो शिक्षा दिया जाता है, एक इंस्टीट्यूट है जो हम दिखलाना चाहेंगे। जो अभी हमें बाबा कंसेप्ट कोचिंग सेंटर जो यहाँ पे भगवानपुर प्रखंड के क्षेत्र में पड़ता है, जो अभी विष्णुदेव राय कॉलेज के बगल में पड़ता है, तो ये जो है एक बार फोकस करते हैं, इनको हम दिखाते हैं। इनके अंतर्गत RSGS क्लासेस सेंटर जो होता है, जो इसमें बिहार दरोगा और बिहार पुलिस DSP बहुत यहाँ बने हैं, ठीक है। और आज जो है शिक्षक दिवस है, आज हम लोग शिक्षक दिवस मना रहे हैं। शिक्षक दिवस की बहुत बहुत धन्यवाद, बधाइयाँ। शिक्षक दिवस हम लोग जो मना रहे हैं 1962 से मना रहे हैं हम लोग जो हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्म दिवस पर ही हम मनाते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं, हमारे जो कुछ मित्र स्टूडेंट हैं उनसे बात करते हैं और बात करते हैं, बताते हैं कि इस पर क्या चर्चा करते हैं। जी नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? राजू कुमार। आपका क्या नाम हुआ? राजू कुमार। यहाँ पर आप क्या करते हैं? यहाँ तैयारी करते हैं दरोगा का। क्या पढ़ाई कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत बेहतर तरीके से अनुभवी सर है। 2014 से लगभग पढ़ा रहे हैं। और स्टूडेंट कौन पढ़ा रहे हैं? लगभग 2014 से चल रहा है, जिसमें अनेकों छात्र दरोगा एवं बिहार पुलिस अन्य सेवाएं में, जैसे भारत में प्रशासनिक सेवा में गए हैं, DSP और BSF जितने आर्मी के आते हैं उसके तहत बहुत सारे गए हैं लगभग। तो यहाँ पे बहुत ऐसे इंस्टीट्यूट है, अलग न जाके यहाँ पे क्यों है? मैंने क्या पढ़ा यहाँ पे, इसलिए पढ़ते हैं, एक तो फी कम है और गरीब से गरीब छात्र आके पढ़ लेता है और बढ़िया अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है, जो सबको अनुग्रहित करता है। कहने का मतलब यहाँ पे जो है गरीबी रेखा से बच्चे के लिए भी अनुदान, मैंने कि यहाँ पे छूट मिलती है। उसके बाद जो है यहाँ पे अच्छी क्लासेस किए जाते हैं, कंसेप्ट दिया जाता है कि यहाँ पे ने बताया कि 2014 से ये इंस्टीट्यूट चल रहा है, 2014 से चल रहा है और ये बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे 50,000 से ऊपर ही यहाँ पे बच्चे सफल। 5 सितम्बर 1888 में हुआ था और 1906 से 1908 तक क्रिश्चियन कॉलेज के प्राचार्य रहे थे, उनको माने ग्रामीण परिवेश में और व्यापारिक क्षेत्र में उनका टेम लटन पुरस्कार मिला था। 5 सितम्बर 1878। शिक्षक दिवस आज कौन सी बात है? शिक्षक दिवस आज शिक्षक दिवस है। ये शिक्षक दिवस जो है ये है भारत के ऐसे प्रथम जो उपराष्ट्रपति भी बने और राष्ट्रपति बने कि जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1954 में। ये जो है ये 5 भाई एक बहन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे, और इन्होंने अपना जो राम नाम रोशन किया है। और आगे बात करते हैं सर, क्या नाम है सर आपका? प्रेम प्रकाश तिवारी। आप यहाँ पे जो है कि बिहार दरोगा तैयारी करते हैं, क्या करते हैं? बिहार SI की। क्या आपको लगता है कि यहाँ से आपको सफल मिल सकता है? 100% होगा, क्योंकि ये संस्थान जो है 2014 से सपना हुआ है इसका, 2014 से बनाते हैं। इसके जो संस्थापक है वो हमारे माननीय ऋषिकेश सर हैं, जो कि इनका जो पढ़ाने के कॉन्सेप्ट हैं, हम तो दूर दूर तक तैयारी करके मतलब यहाँ आए हैं, लेकिन यहाँ इनका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही सरल और बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाने का काम है। यानी कहना चाहते हैं कि वैशाली जिले में ऐसा एक छोटा सा गांव है, छोटा की बड़ा गांव है, प्रचलित है भगवानपुर, इस गांव में ही मैंने कि ऐसा जो है ये पढ़ाई किया जाता है कि यहाँ पे बच्चे जो है अच्छा खासा यहाँ पे जो है सिलेक्शन होते हैं जो पढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में और क्या करते हैं? इसके बारे में यही करना चाहेंगे कि अगर शॉर्ट कट में कहा जाए तो ये एजुकेशन का फैक्ट्री है, क्योंकि हम लोग को यहाँ के ना यहाँ के बच्चों को जो गरीब है वो घूम लेके नहीं रह सकता है, जिसके पास पैसे की दिक्कत है वो पटना रह के तैयारी नहीं कर सकता, उसके लिए हमारे माननीय ऋषिकेश सर के द्वारा जो व्यवस्था किया गया है ये काफी सराहनीय है, इनके लिए जोरदार ताली होना चाहिए हमारी तरफ से। इन्होंने कहा कि यहाँ फैक्ट्री है, मैंने पहले ही बोला कि यहाँ पे फैक्ट्री है, कि हमने भी जाना कि यहाँ पे जो है
लगभग मैंने मेरे संज्ञान में भी है कि 50,000 से ऊपर सीटेड और एसेट क्वालिफाई जैसे जो भी जो है सभी लोग जो है ज्वाइन हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो है दरोगा है और बीपीएससी है, बहुत सारे मतलब कि पास हो रहे हैं और आगे भी लगता है कि मेरी ईश्वर का जो है आशीर्वाद रहता है विद्यार्थियों पर और टाइम देते हैं। और बात करते हैं क्या नाम है? कन्हैया कुमार, आप जो आज सीटर नंबर जो है 5 सितम्बर है, आज कौन दिवस आज सीटर किसके उपलब्ध मनाते हैं? ये RSGS कोचिंग सेंटर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। हम मतलब शुरू से यहाँ पर क्लास कर रहे थे, लगभग हम 19 में हैं। हमको मतलब कंटिन्यू मतलब यहाँ का पढ़ाई और व्यवस्था यहाँ का बहुत अच्छा लगा हमको। हम शुरू से क्लास करते गए, क्लास करते करते बहुत हमको मन लगने लगा है। मतलब पढ़ते पढ़ते देखिए क्या दिन हमको सफलता हासिल हो गई। बिहार पुलिस में है आप? बिहार पुलिस में है जी। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए बिहार पुलिस में। क्या नाम हुआ आपका? कन्हैया कुमार। जी हाँ, ये कन्हैया कुमार है। हमें पास एक लिस्ट आया था, हम देखे हैं कन्हैया कुमार जो है जी, कन्हैया कुमार बिहार पुलिस से है। प्रवीण कुमार जो है भवानपुर प्रखंड से रतनपुरा से भी हैं। एक आकांक्षा कुमारी है भवानपुर प्रखंड करहरी से है और एक राहुल कुमार है बिहार पुलिस वो भी है। और ये एक दरोगा है प्रवीण कुमार, ये जो है रतनपुरा भगवानपुर प्रखंड क्षेत्र के जो है प्रवीण कुमार दरोगा है। और ये आकांक्षा कुमारी जो भगवानपुर प्रखंड के करहरी से ही है। और इसमें मीनाक्षी कुमारी बिहार पुलिस से है, रवि कुमार राजक जो SSC GD है। तो यहाँ पे DSP माधुरी कुमारी जो BPSC के 65 BPSC के जो बने हैं बलरपुर गांव से, उनको एक बार और जोर से ताली के कि इंस्टीट्यूट का नाम रोशन किया है। और ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए भी ये इंस्टीट्यूट में इतनी अच्छी पढ़ाई सुविधा मिलती है, इससे बेहतर क्या हो सकता है? तारीफ करते हैं BPSC का। क्या आप लोग को ये सफलता लगता है कि मिल सकता है BPSC इनको? सही हो सकते हैं? 100% मिल सकते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो है कैसे है अभी जो आपका उम्र लगभग 20-22 होगा, यहाँ पर इसे यहाँ यही क्यों है? और अलग भी कोचिंग था, पटना है आपका, महुआ है, हाजीपुर पटना है, बहुत सारी जगह है। आप ग्रामीण क्षेत्र में क्या आपको लगता है ग्रामीण क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकता है? सर, अगर हम अपना 100% दें और जिस तरीके से सर को पढ़ाने का तरीका है, समझाने का तरीका है, अगर हम अगर मेहनत और लगन के साथ अगर इस क्षेत्र में काम करें, 100% श्योर है कि हम। धन्यवाद आपका। और हम बात करते हैं कुछ हमारे इधर हैं भाई लोग, उनसे बात करते हैं कि आज जो है शिक्षक दिवस है, शिक्षक दिवस में क्या करना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं उज्जवल भविष्य देने वाले ऋषि को, सर ऋषि का धन्यवाद एवं उनके चरणों में। आज गुरुजनों का जो है शिक्षक दिवस है, तो इन्होंने बताया कि गुरुजनों के चरणों में सादर प्रणाम बने की स्ट्रैक्टिव किया जाए। और ये एक शिक्षा एक ऐसा चीज है जो शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। तो एक शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है, शिक्षा का होना अति आवश्यक है। जिस तरह शिक्षक अंधकार से लेकर अंधकार से होते हुए प्रकाश की ओर ले जाते हैं, तो हर व्यक्ति के जीवन में एक शिक्षा का होना अनिवार्य है। हम जानना चाहते हैं कि हर व्यक्ति के प्रथम शिक्षक कौन होते हैं। हम पूछना चाहते हैं एक ऐसे भाई लोग से कि भाभी जो है जब जन्म लेते हैं बच्चे, तो उनका प्रथम शिक्षक कौन होते हैं? बात करते हैं, प्रथम शिक्षक कौन होते हैं? प्रथम शिक्षक हमारे पेरेंट्स होते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिपू कुमारी। शिपू कुमारी, क्या आप आगे क्या बनना चाहेंगे? मैं एक लॉयर बनना चाहती हूँ आगे चलके। आज जो शिक्षक दिवस है, शिक्षक में क्या कहना चाहेंगे? मैं मतलब पढ़ाई करे थी अच्छी से, सर है हमारे यहाँ पे जो हम पढ़ा रहे हैं, तो सभी लोग को मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस कोचिंग पढ़ती हूँ तो बहुत सारी सभी के यहाँ पे टीचर्स अच्छे से हैं, सब लोग। एक बार हमारे यहाँ पे जितने गुरुजनों हैं उनके लिए जोरदार तालियां और अब सर से बात करते हैं। सर आपका शुभ नाम है? सर आपका सर शुभ नाम क्या हुआ? सर सत्येंद्र कुमार यादव। सर जोर से जरा बोलेंगे? सत्येंद्र कुमार यादव। ये हमारे गुरुजनों के लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए।
सर यहाँ पे इतने बच्चे आपके इंस्टीट्यूट में है आते हैं और इस तरह के बोले हैं कि हम पटना हाजीपुर अनदर कई क्षेत्र में नहीं जाकर यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह सुविधा मिलता है कि मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ और ऐसे शिक्षा मेरे पटना में नहीं मिल पाता, ऐसा क्या पढ़ाते हैं आप लोग, क्या बताते हैं जिस आपका नाम ले रहे? यह संस्थान तो आज तो सबसे पहले कि आज 5 सितंबर है और शिक्षक दिवस है, डॉक्टर राधा कृष्णन जी का जन्मदिन है। वो एक शिक्षक होते हुए उन्होंने बहुत लंबी पारी खेली और महान दार्शनिक विचारक और चिंतक थे और उन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित किया और द्वितीय राष्ट्रपति रहे। और यह संस्थान तो ऐसे 2008 से संचालित है लेकिन 2014 में यहाँ पर RSGS क्लासेज की स्थापना हुई एंड इसमें एक यूनिट और आकर के जुड़ गया। इस कोचिंग के जो सर्व पहले जो व्यक्ति हैं वो मुन्ना सर हैं, महफूज सिद्दीकी उनका नाम है। RSGS के संचालक कौन है, कौन सर है? RSGS क्लासेज के जो संचालक हैं, जो संस्थापक हैं, डायरेक्टर हैं, वो ऋषिकेश सर हैं। तो वो ऋषिकेश सर ये 2014 से चला रहे हैं। हाँ, ये 2014 से सर संचालित हो रही है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे स्टेट हो, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो बैंकिंग की तैयारी हो, चाहे वो आर्मी में जाना हो किसी बच्चे को, और यह वैशाली का नंबर 1 प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतरीन संस्थान है। इस मामले में कि बच्चे यहाँ से हाजीपुर की दूरी तय करते हैं, पटना की दूरी तय करते हैं, दिल्ली जाके पढ़ते हैं, कोटा जाके पढ़ते हैं, मुजफ्फरपुर जाके पढ़ते हैं, लेकिन यही संस्थान बेस्ट क्यों है? यह संस्थान इसलिए बेस्ट है कि यहाँ इस भगवानपुर बाजार में एक छोटा सा ही मार्केट है, इसके अंदर में यह संस्थान व्यवस्थित है और 2014 से लगातार मतलब रिजल्ट पर रिजल्ट देते जा रही है। यहाँ से बच्चे दरोगा भी बने हैं। आपके संज्ञान में अभी तक कितने बच्चे यहाँ पे दरोगा बने हैं, कितने सीटेड हैं, स्टेट क्वालिफाई व्याख्या से बताएंगे आप? करीबन दरोगा कितने बने अभी तक? दरोगा तो यहाँ से करीबन 10 बने हैं, ठीक है, और DSP में अभी एक माधुरी कुमारी जो भलतपुर जो है, हाँ, वो DSP बनी है, और 50 से अधिक मतलब जो शिक्षण प्रोफेशन है सीटेट और स्टेट में बच्चे यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं, पास हुए हैं। आज जो है RSGS के सब जो भी हमारे भाई बहन आप लोग देख रहे हैं, माधुरी जी बड़ी गर्व के साथ लोग कह रहे हैं कि माधुरी कुमारी जो है बादलपुर प्रखंड से आप देख रहे हैं, तो आप जो है एक बार इनके लिए जोरदार तालियां भी बजा। फिर से हम दिखाना चाहते हैं जो अभी हमने बोला था कि यहाँ पे जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री कहने का मतलब था यहाँ पे जो बच्चे का आप लोग देख कर मेरे शब्द से भी आप लोग जो है बातचीत हुए हैं कि क्या बोल रहे हैं कि फैक्ट्री है, फैक्ट्री कहने काम करने वाली फैक्ट्री नहीं, यहाँ पे बच्चे को जो उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा पढ़ाई जाती है। एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए भी बच्चे की भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ शिक्षा दी जाती है, जो आपको हम संस्थान के बारे में बताएंगे। एक बार फोकस करते हैं बाबा कंसेप्ट कोचिंग सेंटर के अंतर्गत RSGS क्लासेस जो आते हैं, जो भवानपुर विष्णुदेव राय कॉलेज के बगल में है, और दिखलाते हैं ये बड़ा कोई हाई फाई इंस्टीट्यूट नहीं है, बहुत ही ये है, लोग समझेंगे कि इसे बहुत गांव में बड़ा हाई फाई कॉलेज होगा, ये बहुत हाई इंस्टीट्यूट होगा, तो ऐसा कोई नहीं है। ये विष्णुदेव राय कॉलेज के बगल में संस्थान है, आप देख सकते हैं, आपको दिखाना चाहेंगे, आइए। आज जो है शिक्षक दिवस के अवसर पर लोगों शिक्षक दिवस मना रहे हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस है, और ये जो सजावट देख रहे हैं और ये हमारे जो भी सर लोग हैं और हमारे भाई लोग हैं, एक बार इनको दिखाइए जरा सा। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और सब मैं चाहता हूँ कि एक बार आज शिक्षक दिवस है, शिक्षक दिवस अमर रहे, शिक्षक दिवस अमर रहे, शिक्षक दिवस अमर रहे। तो ये एक बड़ा कोई हाई फाई इंस्टीट्यूट नहीं है, ये बहुत साधारण बहुत निम्न, सफलता के लिए कभी कोई जो है हाई फाई ऐसी नहीं चाहिए। जो भी मेहनत करने वाले बच्चे होते हैं, परिश्रम करने वाले होते हैं, तो स्वयं इस संघर्ष के मध्य होता है। यहाँ पर लिखा भी गया है सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं, जी सही सुना आपने, यहाँ पर लिखा गया, एक बार फोकस करते हैं, सत्य परेशान है, सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं, ये सही है। शिक्षक ऐसा एक माध्यम है जो जीवन प्रयत्न जो हमें शिक्षा प्रदान मिलती है, और शिक्षक के बिना कभी जीवन में कोई हासिल कुछ नहीं कर सकता है। जी नमस्कार। ये शिक्षक दिवस के अवसर पर सर को सम्मानित किया जा रहा है, इसके लिए जोरदार एक बार तालियां होना चाहिए सर के लिए, जो RSGS क्लासेस के ऋषिकेश सर है, एक बार जोरदार ताली शिक्षक दिवस के अवसर पर सर के लिए।
आपने सर को जो सर अंग बस सम्मानित किए हैं और इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? सर हमारे लिए पूजनीय और आदरणीय है सर, को हम लोग आज के दिन तो सर के चरणों में सादर प्रणाम किया जाता है, क्या आपने किया? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, उज्जवल भविष्य के लिए सर से मनोकामना मांगी है सर। सर को इतना अच्छा व्यवहार और पुरस्कार मिल रहा है आज शिक्षा दिवस के अवसर पर, हम देख रहे हैं। आपका क्या नाम है आपका? जी राजू कुमार। राजू कुमार सर को आज ने आपने श्री भगवत गीता का जो बुक दिए हैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने संस्कृति को आपने भूला नहीं है और अपने उज्जवल भविष्य के लिए भी कामना मैं करता हूं। और इस न्यूज चैनल के माध्यम से मैं चाहूंगा कि आपकी आगे की जीवन हो मंगलमय हो। क्या नाम है सर आपका? सुबंध कुमार। क्या नाम है आपका? पृथ्वीराज। किसी की तैयारी करते हैं आप? दरोगा करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से तालियां हैं इनके लिए। क्या नाम है आपका? किसी की तैयारी कर रही हैं आप? बिहार पुलिस के लिए। देखिए महिला होकर इतना गर्व के साथ कर रही हैं और हमारी बहनों के लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। सर बच्चे से आपकी इतना सपोर्ट मिल रहा है सर। सर एक बार आपसे हम बच्चे से इससे आपका इतना सपोर्ट मिल रहा है सर, आपके अंग वस्त्र सम्मानित किया था, इसके बारे में बच्चे के बारे में सर क्या कहना चाहेंगे सर? आप हम तहे दिल से सभी लोगों को जो है हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि इन लोग का इतना ज्यादा सपोर्ट मिलता है और एक ग्रामीण इलाका में होते हुए भी ये संस्थान अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है। और मेरा मकसद है कि यहाँ से ज्यादा गरीब परिवार से बिलोंग करने वाले बच्चे अपने भविष्य को